हेलो वीवर, लीजिए आप सभी के लिए एक फिर जॉब का नोटिफिकेशन मैं लेके आ गया हूँ, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। आप अगर बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो हाँ जी हाँ, उनके लिए पोस्ट आई हुई है। एमबीए करने वाले के लिए पोस्ट आई हुई है, ठीक है। चलिए, जो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स किए हैं उनके लिए पोस्ट आई है, द कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो नोटिफिकेशन है आई हुई है, 24/7/2023 को आई है, जो कि आज है। चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं, इसके क्राइटेरिया, कब इसका फॉर्म फिल करना है, लास्ट डेट कब है इसमें, और कितनी सैलरी रहेगी, सिलेबस क्या है, सब चीज़ आपको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। बने रहे मेरे वीडियो में, और साथ ही साथ इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वन क्लिक करके सीधा फॉर्म फिल कर सकते हैं आप। देखिए, इसका फॉर्म फिलअप की डेट जो है स्टार्ट हो रही है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 24/7/2023 से, जो कि आज है, और क्लोजिंग डेट है 13/8/2023 तक, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तीन तीन टाइप ऑफ पोस्ट आई हुई है, मैनेजमेंट ट्रेनी अकाउंटेंट की, और जूनियर कमर्शियल एक्सक्यूटिव की। तो हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर वाले जूनियर कमर्शियल एक्सक्यूटिव जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, हम लोग डाल सकते हैं, या फिर हम लोग मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो फर्स्ट में है उसका भी पोस्ट कोड 101 को भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर हमने एमबीए इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में की है तो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको कर सकते हैं। देन अगर बीएससी एग्रीकल्चर आपका है, ग्रेजुएशन है विथ 50% मार्क, तो आप जूनियर कमर्शियल एक्सक्यूटिव का पोस्ट में डाल सकते हैं, जिसमें 81 पोस्ट आई है, जिसमें 12 एससी के लिए, 6 एसटी के लिए, 20 ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 8, अनरिजर्व माने जनरल के लिए 35, आउट ऑफ टोटल पोस्ट 3 पोस्ट रिजर्व इन पीडब्ल्यूबीडी एंड 8 पोस्ट फॉर एक्स सर्विसमैन, ठीक है। यहाँ पे ये डिटेल मेंशन है, बने रहिए, पूरा डिटेल आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम लोग देख लिए क्वालिफिकेशन, देख लिए कितने पोस्ट आई है, देख लिए। अब हम लोग ये स्किप कर देता हूँ, मैं पीएच वालों के लिए कुछ डिटेल दिया है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। देन यहाँ पे हम लोग सैलरी की बात करेंगे। मिनिमम सैलरी है मैनेजमेंट ट्रेनी की 30,000 से 1,20,000, और मैनेजमेंट ट्रेनी अकाउंटेंट की जो है मिनिमम 30,000 है, और मैं मैक्सिमम है 1,20,000। देन जूनियर कमर्शियल एक्सक्यूटिव, जिसमें आप हम बीएससी वाले डाल सकते हैं एग्रीकल्चर वाले, 22,000 इसका मिनिमम है, 90,000 इसका मैक्सिमम पे स्केल है सैलरी की पर मंथ। देन यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आ जाती है कि सर्विस बॉन्ड, यहाँ पे सर्विस बॉन्ड में यह कह रहा है कि मिनिमम 3 ईयर का यहाँ पे सर्विस बॉन्ड आपके साथ कॉरपोरेशन के साथ आपका आफ्टर ज्वाइनिंग ये सर्विस की जाएगी, ठीक है। तीन, अगर इस जॉब को अगर आप अप्लाई करते हैं आपका हो जाता है, तो आप 3 साल मिनिमम आपको ये जॉब करना पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकते। अगर छोड़ते हैं तो कुछ राशि जो बॉन्ड में मेंशन रहेगी उतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये भी देख लिए। देन आप यहाँ पे एक्ट रिलैक्सेशन की कुछ मेंशन है क्राइटेरिया, जो कि एस सी एस टी वालों को मिलती है और पीएच वालों को मिलता है। 5 एज रिलैक्सेशन है आपका, एससी के लिए 5 साल, और आपका अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3, पर्सन विद बैकमेंच जो पीएच है उनको 10 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलता है, एक सर्विसमैन को 3 साल का मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। देन चलिए और नीचे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे फीस की बात कर देते हैं, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, या फिर आप ओबीसी हैं, तो आपको टोटल 1500 रुपया इसका लगेगा फॉर्म फीस, और एससी एसटी या एक्स सर्विसमैन या पीएच हैं अगर आप, तो आप 500 रुपये इसका टोटल एप्लीकेशन फीस लगेगी। यहाँ पे फीस भी हो गई, पेमेंट ऑफ मेथोड ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लंबा हो जाएगी वीडियो, मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है उसी को बताता हूँ। यहाँ पे प्रोसेस दी है हाउ टू अप्लाई, ठीक है। यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, उसके बाद कैसे आपको फिल करना है उसका वीडियो मैं आपको कल प्रोवाइड या शाम तक करा दूँगा, ठीक है।
यहाँ पे कितना कितना केबी में अपलोड करना है, मैं सारी जानकारी उस वीडियो में फॉर्म फिल करते करते आपको बता दूंगा। देन यहाँ पे देख लेते हैं एग्ज़ाम सिटीज़ कहाँ पे है, सेंटर कहाँ कहाँ है। मुंबई में है, हैदराबाद दिया गया है, न्यू दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, चंडीगढ़, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, पटना, जयपुर, 11 सेंटर दिए हैं। तो इन इन सिटी में आपका एग्ज़ाम होना है। और ऑल इंडिया के एग्री बीएससी वाले स्टूडेंट या फिर अकाउंटेंट सीए वाले और एक और मैनेजमेंट आई है उसके पोस्ट के लिए ऑल इंडिया से फॉर्म डाल सकते हैं। ऑल इंडिया वाले इसको फॉर्म को डाल सकते हैं, ठीक है। 11 सेंटर दी है आपको, जो पास पड़े आप जहाँ जाना चाहें चुन करके चूज़ करके आप डाल लीजिएगा। 11 सेंटर दी है यहाँ पे एग्ज़ाम की। देन मोस्ट इम्पोर्टेंट अब लास्ट बात कर लेते हैं इसकी, मिनिमम क्वालिफिकेशन परसेंटेज। देखिए अगर आप ओबीसी ते हैं 40% और जनरल में हैं या फिर ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो 40% इसका है, और एससी एसटी या पीएच या एक्स सर्विस मैन है तो 35% आपको मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज लानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए आप कितने नंबर का होगा, कहाँ 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 से कितना आएगा, इसका मैं वो डिटेल बता देता हूँ, ठीक है। हम लोग जिसका जो सिलेबस है वो बीएससी एग्रीकल्चर और जूनियर कमर्शियल एक्सक्लूसिव का ही देखेंगे, उसी का डिस्कस करता हूँ मैं, बाकी मैं स्केप कर देता हूँ। हाँ चलिए यहाँ से है, देखिए इसमें द पेपर वुड बी द इन अ 5 पार्ट विद 120 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप ऑफ अटेम्प्ट इन 120 मिनट, ठीक है। ये कहना चाहता है कि 5 पार्ट में डिवाइडेड है पेपर, जिसमें 120 क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे और 120 मिनट मिलेंगे, एक पर क्वेश्चन में एक मार्क्स रहेगा, ठीक है। और अगर आप गलत करते हैं आप तो उसमें 1/4 0.25 मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट या फिर आपके माइनस मार्किंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जनरल इंग्लिश से 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के, रीजनिंग से आएंगे 15 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आएगी मैथ से आपकी 15 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज से आएगी आपकी जीके से, इंडिया जीके से आपकी आएगी 15 क्वेश्चन। देन अपने एग्रीकल्चर क्या लिखा है, सब्जेक्ट नॉलेज, यहाँ से आपका 60 क्वेश्चन आएंगे, तो ऊपर के 60 और अपना सब्जेक्ट टू नॉलेज से 60, तो 120 क्वेश्चन हुए, 120 मार्क्स के 120 मिनट आपको टाइम मिलेगा। तो ये हो गया आपका सिलेबस भी। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हुई तो जो भी जॉब का नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल में मिलेगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक, और अगर फॉर्म फिल करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में है लिंक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, आप भी भरिए, आप हमेशा खुश रहें। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।